आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। और हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, जिसका नाम है नगर संग्राम। यूपी का माहौल इस वक्त चुनावी बन गया है। निकाय चुनाव की जंग तेज हो गई है। सभी पार्टियों ने अपनी जीत दर्ज कराने के लिए प्लानिंग भी शुरू कर दी है, लेकिन आम जनता के मुद्दे बुनियादी मुद्दे हैं। उनकी जरूरतें क्या है, ये जानने प्राइम टीवी की टीम मैदान में उतर चुकी है और हर एक वार्ड का रियलिटी चेक करके ये दिखा रही है। इसी कड़ी में प्राइम टीवी की टीम लखनऊ के पुराने रामलीला ग्राउंड वार्ड में पहुंची, जहाँ यहाँ के मौजूदा पार्षद से काफी ज्यादा नाराजगी लोगों में दिखाई दी है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी प्रत्याशी मैदान में हैं, लोग अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं और जनता को लुभावने सपने दिखाकर उनसे वोट मांगने का काम कर रहे हैं। आज हम पुराने रामलीला ग्राउंड मैदान में आए हुए हैं और यहाँ की आपको हकीकत दिखाएंगे। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरीके से 5 साल के अंदर जो नीरज यादव पार्षद है, उन्होंने क्या काम किया है। नालियों के अंदर गंदगी दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कभी भी साफ सफाई का काम नहीं होता है। और यहाँ की जनता मौजूद है हमारे बीच, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ के जो पार्षद हैं, उन्होंने 5 साल के अंदर कितना काम किया है, वार्ड के अंदर कितना विकास हुआ है। क्या नाम है दादी आपका, आप इसी वार्ड की रहने वाली जी? मीना, हम यहीं के रहने वाले हैं। कितना काम हुआ है यहाँ पर? कुछ नहीं, कुछ नहीं। न कभी पानी के समस्या बहुत खराब है, न या कोई पानी की टंकी है। और जो एक आधा टंकी पानी की वो खराब पड़ी है, हम लोग को पानी सही नगर से लाना पड़ता। और नाली इतनी गंदगी है, कुछ नहीं बांधे, बारिश में भर जाता है यहाँ पानी। तो हम लोग दूसरे से घरों में जाते हैं, बैठते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहते हैं कि ला हमारी जनता है तो इस तरफ, हमारी जनता घर में पानी भर हुआ परेशान है तो उसके लिए कुछ करें। कभी कुछ नहीं करते हैं, हम लोग इसी तरीके पानी में डूबते हैं, हम रहते हैं, आते हैं। जो पार्षद हैं वो 5 सालों में कितनी बार आए हैं? कभी नहीं आते हैं, कभी कोई खास उनकी जरूरत हुई जब वोट लेना होता है तब आते, नहीं तो नहीं आते हैं। अभी तो चुनाव चल रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ कोई है, जब वोट लेना होता है तो हाथ भी जोड़ लेंगे, पैर भी छू लेंगे। लेकिन जब कहो यहाँ की समस्या तो कभी कुछ, नाला देखो कितना नाला गंदा है, कितने मच्छर यहाँ पर, न कभी दवाई छिड़की जाती, न कभी नाला साफ होता, न कभी गंदगी। इस बार चुनाव हो रही है, यहाँ की जनता किन मुद्दों पे वोट करेगी, क्या लगता है? जो यहाँ का अच्छा करेगा उसको वोट मिलेगा, जो यहाँ का अच्छा नहीं करेगा उसको वोट नहीं मिलेगा। बहुत सारे प्रत्याशी हैं, क्या लग रहा है इस बार पार्षद चेंज करेंगे या वही पार्षद? नहीं, अब फिर चेंज करेंगे जी, बिल्कुल अब फिर कोई दूसरा सभासद बनेगा, ये कुछ नहीं करते हम लोग के लिए। और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि वार्ड की क्या सच्चाई है। क्या नाम है दादा आपका? क्या वार्ड के अंदर 5 साल के अंदर कितने काम? कुछ नहीं, जब उनकी जरूरत होती है तो वो दिखाई देते हैं। और न ही कोई जमादार झाड़ू लगाने आता, न कभी यहाँ पे दादी सफा होती, ना दवा छिड़की जाती है। और बारिश में हम लोगों बच्चे ले लेकर डूबते हैं, ऐसा भी होता है। सब चीज सामान 8 महीने बनाते हैं और 4 महीने में सब बह जाता है। हम लोग 5 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। कितनी बार वार्ड में आए होंगे ये? तीसरा साल है। चल, पहले पप्पू यादव थे, उसके बाद ये नीरज यादव आए हैं। किस पार्टी से थे? यही समाजवादी पार्टी से। अब की बार भी बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं, तो अब लोग वोट मांगने आ रहे होंगे, जनता किन मुद्दों पे वोट करेगी? अब तो उनको नहीं देना है, चाहे हमें चाहे ना, उनको वोट देने। तो किन मुद्दों पे जनता वोट करेगी? जो हमको मदद देगा उसको हम वोट देंगे जी, जो हमारी सेवा मदद पूरी करेगा उसको हम वोट देंगे। पुराने रामलीला ग्राउंड में हम मौजूद हैं और यहाँ की जनता की बात आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि यहाँ की जनता जो मौजूदा पार्षद है उनसे काफ़ी नाराज है, क्योंकि जो पार्षद है उसने 5 सालों के अंदर कोई भी विकास कार्य नहीं किए हैं। वार्ड के अंदर हम और आगे बढ़ेंगे और जानेंगे, साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नालियाँ हैं वो पूरी तरीके से खुली हुई हैं
और इस समय कोरोना का प्रकोप भी बढ़ रहा है, कोरोना का प्रकोप भी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ना तो सफाई कर्मचारी आता है, ना तो कोई दवा डालने आता है। तो बहुत सारी वार्ड के अंदर समस्याएं हैं जिनसे वार्डवासी जूझ रहे हैं, लेकिन इनको कोई भी निजात नहीं मिल रहा है। सामने एक और महिला, हम उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या नाम है आपका, इसी वार्ड की रहने वाली अंजू नाम है। कितना काम हुआ है 5 साल में? कुछ नहीं जी। कितना संतुष्ट है 5 साल के कामों से? पार्षद के कामों से कितना संतुष्ट हैं आप? कुछ नहीं है, देखिए नाली वाली कैसी है। जी, इस बार जनता किन मुद्दों पे वोट करेगी? जैसे सबको देते चले आ रहे हैं। क्या समस्याएं हैं वार्ड की? वार्ड की समस्या गंदगी बहुत है, नाली वाली गंदगी भरी रहती है, कोई साफ करने वाला नहीं आता, ना यहाँ कोई झाड़ू लगाता है। अच्छा, वही आते हैं जो महीने में पैसा लेते हैं, बस एक बार डस्टबिन ले आते हैं, फिर जाए पड़ा रहे। पार्षद कितने बार आए 5 सालों में? पार्षद हाँ कितने बार आए? 2 बार है यहाँ जीते हैं, मतलब नहीं नहीं कितनी बार आए, जीतने के बाद कई बार आए? एको बार नहीं आए। हाँ, वो आके मुल के देखते नहीं, जब इलेक्शन होता है जब ही आके देखते। तो आजकल तो चुनाव चल रहा होगा, दिन रात आ रहे होंगे? अभी तो नहीं आए। हाँ, आएंगे। यहाँ की जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी इस बार? यही सब सफाई, पानी भर जाता है। हाँ, घरों में इतना इतना, यही मुद्दों पे होगा। तो बहुत सारे प्रत्याशी होंगे, क्या देख रहे हो, पार्षद बदलोगे या वही रहने दोगे? अब ये तो जनता ही बता पाएगी। कहेंगे जो नगर निगम की तरफ से लगाई गई थी, जो लोगों को पानी पीने के लिए, साफ तौर पे ये देख सकते हैं यहाँ पर टंकी रखी गई थी और फिर ख़राब हो जाने के बाद जो या पार्षद कहें या नगर निगम के कर्मचारी कहें, उन्होंने यहाँ से हटा दी और इसके बाद में यहाँ पर कोई भी टंकी नहीं लगी। दूसरी ओर दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा वार्ड की, देख सकते हैं किस तरीके से वार्ड के अंदर गंदगी फैली मची हुई है, लेकिन ना तो यहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी आता है और ना ही पार्षद यहाँ पर झाँक कर देखते हैं, कोई भी नहीं है। वार्ड की जनता हमारे बीच मौजूद है और दादी हैं बातचीत करने के लिए, ये बताएंगी कि यहाँ पर जो पार्षद ने टंकी बेच ली है, कितने दिन पहले बेची है और पानी की टंकी कहाँ ले गए, बताइए दादी क्या मामला है पूरा? पानी का, पानी टंकी खराब हो गई, सालों से नहीं हुई पड़ी रही, हम लोग ने कहा भैया बना दो, कहीं हाँ आज बना देंगे कल बना देंगे, ऐसे ही कर्म टालते रहे। अब टंकी यहाँ से उठा के ले गए, बेच डाली या रखी हम लोग से नहीं मतलब। बेच डाली है? अच्छा, हाँ, लगी नहीं? नहीं जब से नहीं लगी ऐसा ही पड़ा। अब हम लोग को पानी की बड़ी किल्लत होती है। हाँ, इतनी दूर जाओ पानी भर के नहीं लेके आओ, बच्चे कोई टाइम पर सुने कोई टाइम पर नहीं सुने, तो कहाँ से ना आ जाए पानी? तो पार्षद है, क्षेत्र में आते नहीं आते? आएंगे हाँ 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 करके ना चले जाएंगे, अब कुछ नहीं करते, नहीं कुछ नहीं कराते हम लोग तो। एक कारण प्राइवेट लगाए में इतर वो कूड़ा ले जाता है, सफाई कर्मचारी गंदगी बहुत दिख रही है, बहुत बीमारी है और लड़के बच्चे सब डेंगू और का कारण में बीमारी हो रही है, और एक कारण सब बच्चे पड़े हैं, बूढ़े भी पड़े हैं, तो ये सब गंदगी से वजह से। तो नाली में झाड़ू नहीं लगती। वार्ड की जनता किन मुद्दों पे वोट करेगी, किसको? अभी हम लोग नहीं लिया, लेने टाइम पे सब कहेंगे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जब वो जीत जाते हैं गद्दी बैठ जाते हैं तब किसी का नहीं ख्याल करते हैं। हाँ, ये हम लोग कई दफा देख चुके। प्राइम टीवी की टीम आज लखनऊ के रामलीला ग्राउंड वाले वार्ड में पहुंची थी और साफ तौर पे देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो मौजूदा पार्षद है उन्होंने 5 साल के अंदर कोई भी काम नहीं किया है, क्षेत्र के अंदर काफ़ी गंदगी है और ना ही तो कोई सफाई कर्मचारी आता है। और अगर जनता की बात की जाए तो जनता के अंदर काफ़ी आक्रोश दिखा है, क्योंकि जनता पार्षद से काफ़ी नाराज़ है और इस बार वो पार्षद बदलना चाहती है। तो देखने वाली बात होगी कि इस बार तमाम प्रत्याशी मैदान में हैं, तो इस बार यहाँ की जनता किसको पार्षद चुनती है। लखनऊ से रेहान वारसी, प्राइम टीवी। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।